हाय दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 ऐसे गैजेट जो आपकी राइड को एक्चुअल में स्मूथ करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं और एक अच्छा एड ऑन जो है आपकी राइड को करते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो टॉप 5 गैजेट्स एंड एक्सेसरीज, जल्दी से हम जानते हैं। एंड आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपको पसंद आया जो आप अपनी राइड में एड ऑन करने वाले हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर, दोस्तों वैसे ही तो ये फीचर जो है वो कार का है, बट अब जो है बाइक में भी इसके गैजेट्स आने लगे हैं। और दोस्तों, इसका जो कॉस्टिंग्स होता है, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, वो आराम से 1500 से लेके आपको 5000 तक के बीच में मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है। जस्ट दो सेंसर्स आते हैं जो आपको टायर के वॉल्व के ऊपर लगाना होता है, एंड जो इसका डिस्प्ले यूनिट होता है सिर्फ उसको ही चार्ज करना है। आपको सेंसर्स को चार्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मोशन सेंसर होते हैं, जैसे ही मोशन करते हैं तो ऑटोमेटिक चार्ज भी होते हैं और टायर का प्रेशर भी बताता है। एंड टायर के प्रेशर के साथ में वो टायर का टेम्परेचर भी बताता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? बिकॉज कई बार ना एक्सीडेंट जो होते हैं वो हाईवे पर जब आप क्रूजिंग कर रहे होते हैं और जो टायर में प्रेशर जल्दी कम हो रहा होता है ना, एंड आप 80 की स्पीड में हो, तो दोस्तों बैलेंस जो है गाड़ी छोड़ देती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड आपके टायर में अगर प्रेशर प्रॉपर है तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो टायर प्रेशर मॉनिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जल्दी मेरे चैनल पे इस गैजेट पे वीडियो आने वाली है, तो चलिए देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट प्रोडक्ट। क्लिप लॉक, जिसको ब्रेक लॉक भी कहा जाता है, आपकी बाइक की सेफ्टी को इन्हेंस करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाइक चोरियाँ ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो दोस्तों सिर्फ आप हैंडल लॉक पे ही बिलीव नहीं कर सकते, आपको कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही हैंडी भी है, मल्टीपल कलर ऑप्शंस में आता भी है और आराम से 600 से 1500 के बीच में आपको मिल भी जाता है। एंड दोस्तों, ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका ब्रेक जो रहता है ना, ब्रेक लीवर, वो लॉक रहता है जब तक आप उसको की से ओपन ना करें। तो मल्टीपल सेफ्टी मिल जाती है, लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है और मल्टीपल कलर ऑप्शन में भी आता है और चीप प्राइसिंग भी इसका अफोर्डेबल है। तो मुझे ये लगता है कि नंबर वन पे होना चाहिए बाइक सेफ्टी के लिए। ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस, एंड दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एडवांस है जब आप ग्रुप में राइड कर रहे होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन तो एक पार्ट है इसका, जिससे कि आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने राइडर्स के, और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होती है। 5 to 1 kilometer तक का रेंज रहता है दोस्तों इसका, आराम से आप राइडर से कनेक्ट होते हैं। 2 to 5, 6, 7 तक की कनेक्टिविटी होती है दोस्तों इसमें। एंड ये तो जैसे मैंने बताया पार्ट है, इसके बाद इसमें एंटरटेनमेंट फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं दोस्तों, इसमें आप मतलब कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, इसमें नेविगेशन के इंस्ट्रक्शंस आप ले सकते हैं, ये सारे फीचर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो एक्स्ट्रा है वो इसमें FM मिल जाता है, लास्ट कॉल को रीडायल कर सकते हैं आप, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गोकोमो का है। गोकोमो जो मैंने था, इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड, तो मैंने जो बाय किया था वो 2200 का बाय किया था, आराम से 2000 प्लस में आपको पेयर्स जो है ना वो मिल जाते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा, और रिकमेंड मैं टोटली करूँगा कि आपने हेलमेट्स में ज़रूर लगाइए, आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। इसमें जो बेस्ट ब्रांड कहा जाता है वो सेना कहा जाता है दोस्तों। सेना का इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसका जो माइक क्वालिटी होती है, जो स्टीरियो क्वालिटी होती है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इवन बैटरी पावर और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा रहता है। हेलमेट ब्रेक एंड इंडिकेटर लाइट, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एड ऑन है आपकी रियर विजिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। लुक एंड स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसका जो कॉस्टिंग आता है ना वो 2000 टू 4000 के आसपास में आता है। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, इसमें एक वायरलेस कंट्रोलर लगता है आपकी बाइक में ही, आपके ब्रेक के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू कनेक्ट होता है एंड उसके थ्रू ही कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा एड ऑन है दोस्तों ये। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका पावर बैकअप बहुत अच्छा होता है इसका, मेरे को आराम से जो है 8 to 10 hours का बैकअप में जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी आएगा। ये देखिए, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें इंडिकेटर भी आराम से यूज़ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ब्रेकिंग भी यूज़ होता है, उसमें हैजार्ड भी होता है। तो ये तीनों फीचर्स जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो मैंने बाय किया था वो 2200 के आसपास का था कॉस्टिंग, एंड ये सच में ही बहुत अच्छा एड ऑन है। ब्लूटूथ नेविगेशन डिवाइस, दोस्तों आजकल न्यू बाइक जैसे कि मीटियोर जो है, मीटियोर 350 है, उनमें ब्लूटूथ नेविगेशन फीचर आ रहा है, बट वो ब्लूटूथ नेविगेशन फीचर जो है बहुत ही बेसिक है, उससे फार बेटर अपग्रेडेड वर्जन जो है मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, बट उनका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अप्रॉक्स का कॉस्टिंग अगर लेके चले, जो नेविगेशन डिवाइस आ रहे हैं वो 7000 to 15000 मिनिमम में आते हैं। अब इससे ऊपर जो है डिपेंड्स करता है कौन सी ब्रांड और कौन सी कंपनी का आप ले रहे हैं, कितने फीचर्स के साथ में आप फुली लोड ले रहे हैं, टच स्क्रीन ले रहे हैं या TFT स्क्रीन ले रहे हैं,
ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों। बट ये डिवाइस बहुत ही यूज़फुल रहता है जो राइडर्स रेगुलरली राइड करते हैं हाईवे पे या फिर सिटी पे राइड करते रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थोड़ा यूज़ टू होना पड़ता है इसके जो फीचर्स के साथ में, किस तरह से वो नेविगेट करता है, किस तरह से एरोज होते हैं उसको लेके थोड़ा सा आपको अपग्रेड होना पड़ता है, वरना ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉप 5 गैजेट पसंद आए होंगे। एंड दोस्तों आपको कौन सा गैजेट पसंद आया और आपको इसके अलावा कौन सा गैजेट पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन सभी गैजेट्स का जो है मैक्सिमम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहां वीडियो कमेंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और अपडेट्स जो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।